जब हम लोग अपने फ़ोन में जीमेल ऐप यूज़ करते हैं, हम लोग अपना पासवर्ड एंटर तो कर देते हैं बट उसे लॉग आउट नहीं करते, जिस वजह से जब हम दोबारा जीमेल ऐप ओपन करते हैं तो हमें पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जीमेल ऐप खुल जाता है। और ऐसा करने से हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। और जब हमें दूसरे कंप्यूटर पे जीमेल लॉगिन करना होता है तो हमें अपना पासवर्ड याद नहीं आता, और जब हम जीमेल लॉगिन करते हैं और गलत पासवर्ड दे देते हैं तो हमें जीमेल एरर दिखाता है कि आपका पासवर्ड जो है गलत है। आप जो है फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं या फिर आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अब हम क्या करें? पासवर्ड तो याद नहीं है तो ट्राई करने का क्या फ़ायदा? तो अगर आपके पास आपका फ़ोन है जिसमें आप जीमेल ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी और कंप्यूटर पे जीमेल लॉगिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। आपको जो है ये अकाउंट रिकवरी के लिए कुछ ऑप्शंस देगा, और यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा टैप यस ऑन योर फोन और टैबलेट। तो आप सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आपके फ़ोन में जो है एक नोटिफिकेशन आएगा और जिस पर आपको यस पे टैप करना है। यस पे टैप करते ही जो है आपका फ़ोन में लॉगिन अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पर आपको लैपटॉप में नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर आप नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो यहीं पर आप सेट कर दीजिए, या आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है सिक्योरिटी चेकअप के लिए ये ऑप्शन दे रहा है, अगर सिक्योरिटी चेकअप करना है यहाँ पर तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट अपने जीमेल अकाउंट पे लॉगिन हो सकते हैं। जीमेल अकाउंट पे लॉगिन होने के लिए ऊपर ही आपको फिर से gmail.com टाइप करना है और एंटर कर देना है। इस तरह से आप अपने जीमेल अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे।